नमस्कार महिमा और आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। चुनावी यात्रा के इस दौरान में आज हम पहुंचे हुए बारिंदा गांव में सिली विधानसभा के। यहां का माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है, कुछ लोगों से बातचीत करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जगतपाल और आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। आज हम चुनाव यात्रा के दौरान सिली विधानसभा क्षेत्र के बारिंदा बाजार टाड़ में खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारी जनता आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़ी है। और चूंकि सिली विधानसभा क्षेत्र का चुनाव अगले 12 तारीख को होने वाली है और किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ की जनता या तो अच्छा सोचती है, बुरा सोचती है, क्या विषय होगा, किन विषयों को लेकर के वो चुनाव में इस बार वोट करेंगे, किनको वोट करेंगे, किनको नहीं करेंगे, क्या उनका कार्यकाल रहा है नहीं रहा है, ये जानने का प्रयास करते हैं। क्या देखिए, हमेशा से होता है कि जिनको भी हम चुनाव में देखते हैं कहीं ना कहीं हमसे उनको फ़ायदा होता है और वो हम सबसे जुड़ते हैं। इस बार का चुनाव बहुत ही एक विचारणीय है तो इस बीच में हम बारिंदा गांव में उपस्थित हैं और बारिंदा गांव में उपस्थित है कुछ जनता यहाँ पर है, उनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि इस बार का चुनाव का क्या यहाँ पर सिचुएशन है, कैसा रहेगा चुनाव और किन किन मुद्दों के ऊपर में जनता सोचती है। आपका नाम क्या है? सुरेश चंद्र महतो। सुरेश, चुनाव होने वाली है जी और इस बार का जो चुनाव होने वाला है इसमें आपका क्या मुद्दा है? बंगला बोलिए। चुनाव मुद्दार जन्य जरा भालो इखने जरा भालो काज देख जादर ने हम भालो काज जरा दिबे तादरी स्वप्न साकार करार जन्य हमरा ताके हमरा समर्थन करब कोनो जेमन आरो एखन हजारो पार्टी आसबे ओरा सबाई बोलबे जे हम ऐसा काम करेंगे जो रुका काम को खोलेंगे नहीं सकेगा, वो हम लोग भी जानते हैं, उसको भी अगर उसी पद में दे दिया जाएगा तो वो भी नहीं सकेगा। इस बार जो चुनाव होगा तो क्या आप देखेंगे और चुनाव में आप अपना वोट करेंगे? हर बार में तो वोट दे रहे हैं नहीं, क्या देखेंगे, क्या आपको लगता है किसको वोट करना चाहिए, किसके आधार पर वोट करेंगे, आपका क्या मुद्दा, क्या कमी लग रहा है होना चाहिए? जिसके द्वारा विकास होगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील परमानी। घर कहाँ हूँ? दुलमी। तो इस बार जो सिली विधानसभा में जो चुनाव होने वाला है तो इसके बारे में आपका क्या राय है, किसको जिताने का कोशिश है आप लोगों? जो यहाँ का काम करे उसी को जिताने का। बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ भी अभी तक नहीं हो पाया है तो इसके होने के लिए आप लोगों का क्या राय है? इस बार हम लोग सब देख रहे केला छाप में देंगे फट। तो बाजार चौक में हम लोग अभी खड़े हैं तो यहाँ पे क्या क्या विकास हो चुका है? विकास तो ठीक चल रहा है अभी काम, लेकिन पहले जैसा विकास नहीं हो रहा है कहने का क्या? जैसे कि अभी मानते जो अभी हम लोग विधायक है वो थोड़ा काम उतना अच्छा से नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इस बार जनता सब कहती हो गए कि इस बार सुदेश महतो जी को इस बार सिली विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनने का इरादा है हम लोग का। तो इन लोगों का कहना है कि सिली विधानसभा से अभी सुदेश महतो का जिताने का इरादा है क्योंकि अभी के जो हम विधायक हैं उनका कार्यकाल इन लोगों के अनुसार कुछ हद तक पूरा नहीं हो पाया है। विधायक अभी इस बार सुदेश महतो ही का हम लोग चुनेंगे। अच्छा, इन लोगों का कहना है कि इस बार सुदेश महतो जी को ही जिताने का इरादा है और वही अगले विधायक होंगे। आइए आपको लेके चलते हैं और भी जनताओं का आवाज। सर आप बताइए इस बार का मुद्दा किस को लेकर के आप चुनाव में वोट डालना चाहेंगे? यहाँ विकास के नाम से ही मतलब वोट डाला जाता है, पूर्वी क्षेत्र जो विशेष करके समझे ना, यहाँ दूसरा का नहीं चला। एक मिनट, विकास। क्या सर सुदेश महतो यहाँ विकास पुरुष है? अच्छा, यानी उसी का जाएगा सर विकास पुरुष सुदेश महतो। हाँ अच्छा, यानी आप एक तरह से देखा जाए तो सुदेश महतो का दिन तक ठगा है, 5 साल का दरमियान पूरा ठग दिया है। अच्छा, ये बार धोखा नहीं जाएगा। अच्छा, इस बार यहाँ सुदेश महतो के ही चलेगा, ये पूरा पूर्वी क्षेत्र में पूरा मन बना लिया है कि विकास पुरुष को ही वोट दिया जाएगा। अच्छा सर, थोड़ा सा कैमरा आने दीजिए, जनताओं की आवाज़ सामने आना चाहिए। अभी चुनाव का पूरा माहौल चल रहा है सब तरफ है ना, और विकास, हरियाली, शिक्षा ये विषय रहा है हमेशा से। तो अभी जो विधायक का जो चुनाव सिली विधानसभा में होने, तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोग अपना मन बनाए हैं?
क्या चीज में मैंने वोट करेंगे तो मुद्दा क्या होगा ताकि आप लोग उनको जिताएंगे, तो किन किन विषयों को लेकर के? ये ठगने का काम से जो 5 साल हुआ है ना, इसमें जनता जान गया है कि नहीं, मतलब ठगने का काम वाला यहाँ नहीं चलेगा पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ पहले जो था जैसे था उससे बहुत विकास पुरुष हुआ था, यदि सुदेश महतो जैसे हुआ कुछ, मतलब 3 बार जीते थे, इसमें विकास का जनाधार जो है ना पूरा रुक गया है, जनाधार का जो ही है पूरा रुक गया है। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे पिछले 15 सालों में जब से सुदेश कुमार महतो जी ने चुनाव जीता है तब से वो कैबिनेट में रहे हैं, और अभी पिछले 5 सालों में सीमा महतो और अमित महतो का कार्यकाल रहा है, तो पिछले 5 सालों में कुछ ऐसा कार्य है जिससे कि लोगों को फायदा हुआ है? नहीं नहीं, कुछ फायदा नहीं, मतलब जो बोला जाता है कि नहीं के बराबर एक विधायक फंड का जो होता है वो काम किया है, वो भी कहीं कहीं एकदम खाली बोर्ड लग गया है, काम कुछ नहीं हुआ है। अच्छा बहुत सारे और भी जनता से हम लोग जुड़ते हैं, इधर पे बहुत सारे भाई हैं। आपका नाम क्या है बाबा? हम बूढ़ा आदमी, हम का बोला जा सकते। ये कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राजकिशोर मछुआ। राजकिशोर जी, इस बार का जो चुनाव है इसमें जो कैंडिडेट हैं, जो लोग हैं, आप किन किन चीज़ों को देखते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए और जो अभी तक नहीं हो पाया? देखिए जितना है यहाँ छोटा छोटा गरीब आदमी के लिए घर आता है, इंदिरा आवास चाहे मोदी आवास कहते हैं, वो तो मिलवे नहीं करता है। बड़ा बड़ा आदमी घूस घास लेके उसी को दिलवाता है, जिसका घर गिरता है झपड़ पट्टी है और जेल ईंट बनाता है, किसान मजदूर करके खाता है, उसका घर गिर जाता है लेकिन उसको बनाता नहीं है। तो आप ये बताइए कि जैसे कि अभी घर का बात हो गया या इंदिरा आवास की बात हो गई या तो और भी लाल कार्ड पीला कार्ड ऐसा बहुत सारी चीज़ों की बात हो गई, तो इन सारे चीज़ों को लेकर के आप किस किस से मिलते हैं? अभी तक समाधान नहीं हो पाया तो आपको किसको लगता है किसका वजह है कि ये विधायक का काम है या कोई प्रशासनिक व्यवस्था का काम है? ये है गांव का जो वार्ड है, विधायक है। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है तपन कोरी है। तपन जी, आप ये बताइए कि अभी का जो चुनाव 12 तारीख को होने वाला है, हाँ जी राइट, तो ये 12 तारीख का जो चुनाव है उसमें आप कौन सा गांव के निवासी हैं बताइए? ये बरंदा का। बरंदा का है। हाँ। तो बरंदा में पिछले 15-20 साल सुदेश जी का काम रहा है और अभी 5 साल इनका काम रहा है, तो अभी जो वोट करेंगे आप, तो वोट करेंगे तो क्या विषय होगा, किस बात को देख करके वोट करेंगे, क्या आपको लगता है? विकास का, विकास जो होता है उसके विषय में। विकास में आप किसको विकास बोलते हैं? विकास जो नेता है बढ़िया होगा उसी को चुना जाएगा। तो पिछले 15 साल में आप सुदेश का भी कार्यकाल देखा? हाँ, उसके भी विकास हुआ था। अच्छा, उसके बाद पिछले 5 साल में उनका भी देखा। हाँ। आप दोनों में से किसको आप मैंने बढ़िया मानते हैं? ये सुदेश जी का ही मानेंगे। अच्छा। वो विकास किया है। विकास किया है। हाँ। जी। अच्छा, और एक प्रश्न यही है कि देखिए क्या है, बहुत सारे जनता यहाँ पर हमारे चारों तरफ यहाँ पर है। हाँ। जैसे कि अभी हम लोग सामने एक नदी सुवर्णरेखा नदी गए थे, तो वहाँ पे अभी जो नदी तो बन गया लेकिन रोड अभी तक नहीं है। जब पानी के मौसम में आता है तो लोग लुंगी उठाते हैं, धोती उठाते हैं, जूता खोल के जाते हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा नुकसान है यहाँ, इस झारखंड से बंगाल को जोड़ने का काम करती है वो नदी, सैकड़ों लोग वहाँ बाजार जाते हैं जी। तो अभी तक नहीं बन पाया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सुदेश महतो ने अच्छा काम किया? नहीं, आएगा तब ना अच्छा काम करेगा, आने वाला दिन में जो आ जाएगा सुदेश महतो, तो 15 काम किया तो 5 साल में आ जाएगा, जो भी आएगा जितना साल रहेगा उतना काम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, मैं तो 15 साल में 15 काम किया तो उसके अलावा जो आया 5 साल में 5 काम करना चाहिए, उसके बाद और जो आएगा 5 साल में 5 काम करके दिखा जा रहे, 15 साल में जनता का विकास होगा भैया। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे गांव ये बाजार है, बाजार में है, बाजार है, यहाँ पर बहुत सारा कमी है लगता है, तो क्या क्या स्कूल को सरकार चले नहीं शिक्षा यहाँ बोलते हैं सोनातू में लड़का लड़की लोग पढ़ते हैं, यहाँ कोई सरकारी बस है तो जाने आने का, बच्चा लोग अकेले स्कूल में जो पढ़ते हैं वो आने जाने का, एक सरकारी बस है का विकास है, वो भी उठा विकास है, उठा विकास है, हाँ एक उठो मैंने बस गाड़ी जाने आने के लिए नहीं है तो विकास, अरे नदी नाला बंधाएगा ये सब हो गया है, हम लोग का विकास चाहिए, खाली हम लोग झूठ बस चाहिए, खाली स्कूल बस चाहिए। हाँ, बस। और क्या क्या चीज कमी है यहाँ पर? वही हम लोग का कमी है कुछ, बार शिक्षा। अच्छा, सिंचाई हो गया या पानी का सप्लाई होगा उसका क्या है?
वो सब चीज हम लोग का पानी उनी सब चीज सब की चाहिए तो बन रहा है सब 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 चीज लेकिन हम लोग का दूसरा स्कूल बस चाहिए स्कूल बस चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर लोग भी और भी हैं उनसे जुड़ते हैं। देखिए आप अभी जो आए हैं यहाँ ना आप जो अभी आए हैं प्रश्न है हमारा कि अभी जो चुनाव होने वाला है हम जनता की आवाज बनना चाहते हैं तो आप हमें ये बताइए कि अभी जो वोट होने वाला है उस वोट को लेकर के आप किन किन मुद्दा क्या क्या विषय को लेकर के वोट करेंगे जिसे आप लोग उम्मीद करते हैं। देखिए उम्मीद हम लोग का जो था पहले जो हम लोग का जो अभी जो आप यहाँ पर बैठे हैं आए हैं एकमात्र सिर्फ सुदेश कुमार महतो के बदौलत आज वही थे जो हम लोग को इस टापू से बाहर निकाले हैं उसी के बदौलत आज ये रोड और ये गाड़ी आपको दिखाई दे रहा है। आज 10 साल से पहले आपको इस जगह में आने के लिए कोई रास्ता नहीं था मिट्टी का था कुछ नहीं था आदमी को सोचना पड़ता था बारंदा आने के लिए। अभी जितना जो डेवलप इस एरिया में देख रहे हैं सिर्फ सुदेश कुमार महतो के चलते और हम लोग चाहते भी हैं कि इस एरिया में सुदेश कुमार महतो ही दोबारा आए ताकि और विकास बढ़े। बहुत बढ़िया। अभी और भी कुछ और साथी हैं उनसे हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं। देखिए चीज़ें तो बहुत है समस्याएं समाधान लेकिन जिस प्रकार से यहाँ जनता का कहना है कि आज जो भी स्थिति में हम खड़े हैं ये कहीं ना कहीं सुदेश महतो जी का देन है और आज उनकी वजह से आज ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है लोग आना जाना कर रहे हैं और उनको फ़ायदा मिल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा सर रविंद्रनाथ महतो हम तो सिल्ली के हैं यहाँ पर अपने कुछ वर्ष। कोई बात नहीं सिल्ली विधानसभा से तो है ना सिल्ली विधानसभा से हैं। आप ये बताइए कि सिल्ली विधानसभा में इस बार चुनाव जो है जो होने वाली है किन किन विषयों को लेकर के इस बार चुनाव के मैदान में लोग जाना चाह रहे हैं या क्या चाहते हैं कि विकास हो या घटे बढ़े क्या चाहते हैं लोग आप क्या सोचते हैं? सर हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं इसके विषय पर। आपके हिसाब से आप ये बताइए कि अगर ये चुनाव होगा अगर आपको मत देना होगा तो आप किस आधार पर मत देंगे? वो तो विचार है सर वो तो मतदान की बात है वो तो अंदर की बात है हम कैसे क्या कह सकते हैं इसमें ये अपना अपना एरिया का बात है। देखिए सिल्ली विधानसभा क्षेत्र ये सारा एरिया आता है और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आपके हिसाब से जैसे आप सिल्ली से बिलोंग करते हैं तो सिल्ली में कहीं ना कहीं किस प्रकार का कुनबा भी तैयार हो रहा है लोग किसकी तरफ अपना रुझान प्रस्तुत कर रहे हैं? बात तो सर वो है दूसरा की मतलब के सब तरह है ऐसा नहीं कि अकेले एक विपक्ष पार्टी के बात नहीं करें किसी का दोनों पार्टी में है 19-20 है दोनों। एक अंतिम सवाल जाते जाते हम पूछना चाहते हैं आप यहाँ पे हैं वो ये कि अभी जो चुनाव होने वाली है उस चुनाव के दौरान आप कैसा समाज या किस प्रकार का फैसिलिटी इस समाज के अंदर में देखते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले विधायक के साथ? देखिए उम्मीद करते हैं हम लोग को शिक्षित समाज का जरूरत हो और विधायक जो बन गया है वो जितने के बाद भी अगर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है इस एरिया में तो उसमें फ़ायदा क्या है बोलिए। जितना भी शिक्षा का मतलब जितना भी डेवलप हुआ है जितना भी डेवलप होगा सुदेश महतो की जितने सही होगा बस। अभी चुनाव में जो आप जिनको जीतेंगे या जो भी आएंगे उसको मताधिकार मिलेगा या तो कह सकते हैं कि उनको यहाँ पर जनादेश मिलेगा? देखिए अलग अलग पार्टी का अलग अलग आदमी है लेकिन हम लोग सब फेवर हैं सुदेश महतो का क्योंकि हम लोग विकास के मद्देनजर रखते हुए सपोर्ट करते हैं विधायक को। तो मैंने आप जनता है कि सुदेश महतो के पार्टी से हम जनता है हम पब्लिक है उसका विकास का कार्य देखते हुए आपको हम आंसर दे रहे हैं बस। बिल्कुल सही बात है। देखिए जनता जनार्दन सब कुछ होती है जनता जिसको चाहे उसको बैठा सकती है जिनको चाहे वो उठा सकती है तो कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि विकास हो विकास पुरुष को लोग आने वाले समय में विधायक का जो तमगा है उसको देने के लिए तत्पर है। तो ये आज हम खड़े पे थे यहाँ पर जामुदाग से अंदर एक गाँव है बहुत ही फेमस गाँव है वारंदा और बरिंदा के बाजार टर्न में आज उपस्थित थे और यहाँ जनता से बातचीत कर रहे थे कि किन किन विषयों को लेकर के वो इस बार चुनाव में अपना वोट देंगे अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोट सबको देना चाहिए वोट हमारा अधिकार है और वो वोट से ही हमारा एक स्वच्छ समाज का एक स्वच्छ राज्य का एक अच्छा प्रशासन का निर्माण होगा। आपको तमाम चीज़ों के साथ बने रहिए आप देखते रहिए आशीष न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।